एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। दर्शन करें आप लोगों ने, अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता है, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है।